हेलो फ्रेंड्स, नीट 2020 एग्जाम की नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन किया हुआ है नीट 2020 एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ कुछ एडवांटेज हैं। उनके साथ ये एडवांटेज है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके सिलेबस और उनके पैटर्न पता चल चुके हैं। उन्हें इस बात का आइडिया है उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टाफ्स, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स हैं उनके तरफ से ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ों की कितनी कितनी वेटेज है, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। मगर वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो होम स्टडी पे डिपेंड कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी पे डिपेंड कर रहे हैं, उन्हें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ये कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्ट वाइज नीट की सिलेबस क्या है, साथ साथ में उस सिलेबस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नीट के एग्जाम को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ गुलशन झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि नीट UG 2019-20 से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो सभी आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि नीट UG 2020 की जो सिलेबस है उस सिलेबस में फिजिक्स सेक्शन की सिलेबस क्या में कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए जाते हैं, उन चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स में से 2019 में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या आप कह सकते हो कि उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको कवर करना, अच्छे से कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के ये सेक्शन फिजिक्स, आज का ये वीडियो फिजिक्स सेक्शन पे ही सिर्फ बनाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स सेक्शन को लेकर के आखिर सिलेबस क्या है। फिजिक्स सेक्शन की अगर क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th और क्लास 12th दो क्लास की बुक्स पढ़नी होती है। तो क्लास 11th की अगर बात करें तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनामेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर्स, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक थ्योरी, ये टॉपिक्स आपको क्लास 11th की फिजिक्स बुक्स में मिलेंगे और आप इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है। ये क्लास 11th से जुड़ी चैप्टर्स हैं जो आपकी नीट 2020 सिलेबस के अंडर आती है। अब उसी तरीके से नीट 2020 सिलेबस के अंडर आने वाली क्लास 12th की भी कुछ चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स भी, वो टॉपिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 12th से जुड़ी जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए आपको, ये क्लास 12th से जुड़ी कुछ टॉपिक्स थे जो कि नीट 2020 सिलेबस के अंडर आती है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि कौन कौन से ऐसे रेफरेंस बुक है जो आपको फॉलो करने चाहिए। आप सभी कोई को ये बात तो पता होगी कि NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर नीट एग्जाम। जी हाँ, अगर आप एम्स की बात करो तो हो सकता है आप थोड़ा इस बात को लाइटली ले सकते हो, मगर जब भी आप नीट की बात करते हो तो NCERT ही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और अगर NCERT की बुक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स नीट में आ सकते हैं और आपको आराम से कॉलेज भी मिल जाएगी काउंसलिंग में। मगर नीट, अगर आपको इसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको कोई टॉपिक जो NCERT की बुक में समझ में ना आ रहा हो, तो आप दूसरे रेफरेंस बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो, या आपको करना चाहिए। कोई भी एक टॉपिक अगर एक बुक से समझ में नहीं आ रही है तो आपको दूसरे बुक पर स्विच करना चाहिए, आपको अलग अलग मीडियम यूज करना चाहिए उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए।
तो चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा और कौन कौन से रेफरेंस बुक्स हैं जिन फिजिक्स से जुड़े, वो कौन कौन से फिजिक्स के बुक्स हैं जिसको जो एज अ रेफरेंस बुक आप देख सकते हो, आप ले सकते हो और उन्हें उनसे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक के अलावा एचसी वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट वन एंड पार्ट टू आपको देखनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी के फिजिक्स सेक्शन में से कुछ कोई ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आती है या डाउट्स उसमें रह जाते हैं, क्लियर नहीं होते, तो आपको एचसी वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट वन एंड पार्ट टू आपको देखनी चाहिए, उससे एज अ रेफरेंस यूज करना चाहिए। उसके बाद आप हॉलिडे रेजनिक एंड वॉकर की फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स भी देख सकते हो, डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू भी देख सकते हो, डी मुखर्जी की फिजिक्स की एमसीक्यूज की जो बुक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो बुक है, वो भी आप एज अ रेफरेंस बुक अपने लिए यूज कर सकते हो फिजिक्स में। तो ये वो कुछ बुक्स थी जो मैंने आपको आपसे शेयर किया। इन बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप जा करके ये बुक या तो खरीद सकते हो, या अगर आपको फ्री डाउनलोड करना है तो आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो, ये चीज़ आप देख सकते हो। अब बात करते हैं आखिर वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं फिजिक्स में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीट एक इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम है और हर साल लगभग 1.5 लाख से 2 लाख कंपटीशन नीट के एग्जाम में पढ़ते जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि हर एक चैप्टर इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं कि फिजिक्स सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, या आप कह सकते हो कि 2019 में नीट में कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। उस बेसिस पे अगर हमें ये पता लग जाए कि क्विज सेक्शन से सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम तैयारी कर रहे होंगे तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिस पे हमें खासा ध्यान देना है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 2019 में 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे कि फिजिक्स के टोटल जो आपके जो जो वेटेज है उसमें से अगर परसेंटेज की बात करो, तो इस चैप्टर से 22.22% के क्वेश्चंस आए थे। आप समझ सकते हो ये कितना वेट रखती है फिजिक्स के सेक्शन में नीट के एग्जाम में। उसके बाद कैपेसिटेंस से 1 क्वेश्चन आया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 3 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन ही आए थे 2019 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक से 5 क्वेश्चन आए थे। आप समझ सकते हो 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से आए थे फिजिक्स सेक्शन के। 11.11% की वेटेज ये भी नीट में रखती है। हीट ट्रांसफर से 2 क्वेश्चन आए थे, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे, मैकेनिक्स सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैकेनिक्स सेक्शन में मैकेनिक्स से 13 क्वेश्चन 2019 में आए थे, 52 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें 28.89% वेटेज ये मैकेनिक्स सेक्शन रखता है, मैकेनिक्स के चैप्टर्स रखते हैं। तो सर्कुलर मोशन से 1 क्वेश्चन आया था, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी से 1 क्वेश्चन आया थे, और इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 क्वेश्चन आया था, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन आया था, रेक्टिलिनियर मोशन एंड वेक्टर से 1 क्वेश्चन आए थे, रिलेटिव मोशन से 1 क्वेश्चन आए थे, रिलेटिव मोशन यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन मतलब 8 फोर 32 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार 2019 में मॉडर्न फिजिक्स से आए थे। वर्क पावर एंड एनर्जी से भी 1 क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन से 1 क्वेश्चन आया था। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से टोटल 5 क्वेश्चन, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, SHM एंड वेव्स में से टोटल 4 क्वेश्चन, SHM से 2 क्वेश्चन और साउंड वेव से 2 क्वेश्चन। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से सेक्शंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऑन द बेसिस
कि कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना वेटिंग परसेंटेज वो नीट के एग्जाम में रखते हैं, और उस हिसाब से उन चैप्टर्स पे उन टॉपिक्स पे आपको खासा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने फिजिक्स के ऊपर बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर भी बात करेंगे। तो जो भी रेफरेंस बुक की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन से बुक्स हैं, या फिर आप वेबसाइट पर जा करके भी चेक कर सकते हैं कि फिजिक्स सेक्शन में से क्या क्या रेफरेंस बुक है। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप चीज़ें पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं गुलशन झा फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।